वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। तो ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। बट होता क्या था कि पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम पेंसिल की हेल्प से ड्राइंग शीट पर बनाते थे, बट अब क्या है कि सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, वो सारा का सारा हमारा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनता है। तो इसीलिए इसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रख दिया गया, क्योंकि अब जो डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं वो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम ग्राफिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे ऑटोकैड। इसके अलावा मैं आपको दोनों ही चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी। यानी कि अगर हम कोई प्रोजेक्शन करते हैं तो उसको शीट पर कैसे बनाते हैं, पेंसिल की हेल्प से और ड्राफ्टर की हेल्प से। और इसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर पर अगर हम बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाते हैं। जो हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे ऑटोकैड। वो इसलिए क्योंकि ड्राफ्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। तो ये तो बात थी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हम करते क्या हैं, ये होता क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़। यू कैन से इट इज़ अ लैंग्वेज और इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ डिज़ाइनर कैन एक्सचेंज देयर थाट्स और देयर आइडियाज़ टू द मैनुफैक्चरिंग कंपनी। यानी कि कोई भी एक डिज़ाइनर है जिसने किसी कंपोनेंट को सोचा है और उसके बाद उसको डिज़ाइन किया है, तो वो क्या करता है, अपनी जो डिज़ाइन को एक 2D ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज़ आप बचपन में स्केचिंग वगैरह बनाते थे, सपोज़ आपने होम बनाया, कोई साइकिल बनाई, तो एक तरीके से स्केचिंग कहलाती है। तो इसी तरीके से हम भी करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, हम उसको स्केचिंग बनाते हैं। बट होता क्या है कि स्केचिंग को हम व्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ उस साइकिल, अगर सपोज़ हम कोई साइकिल बना रहे हैं तो हम उसको फ्रंट से देखेंगे तो साइकिल कुछ ऐसी दिखेगी, टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। तो हम उस 3D डिज़ाइन को जो हमने दिमाग में सोचा हुआ है उसको हम कन्वर्ट करते हैं 2D ड्राफ्टिंग में। उसके बाद फिर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेज देते हैं। अब होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उस डिज़ाइन को पढ़ती है और बिना आपके कम्युनिकेशन किए वो डायरेक्टली उस डिज़ाइन के थ्रू, जो आपने जो स्केच बनाया है उसके थ्रू, उसको प्रोडक्शन कर देती है, उसको बना देती है। अब सबसे बड़ी चीज़ है इसका यूज़ क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड दिस। कोई भी हर फील्ड में यूज़ होने वाला ये सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज या मैक्सिमम जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। वो इसलिए अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला इंजीनियर है उसको भी ये सब्जेक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सपोज़ वो कोई डिवाइस बना रहा है, फॉर एग्जांपल कोई नई तरीके का सेटअप तैयार कर रहा है, तो उसके लिए उसको होगा क्या कि उसको पता होना चाहिए कि सपोज़ अगर मैं कोई कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहा हूँ या कोई मदरबोर्ड डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे जो मदरबोर्ड है उसका साइज कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरी जो केसिंग होगी मदरबोर्ड की जिसमें वो PC कंपोनेंट लगेंगे उसका साइज़ क्या होगा, उसके अलावा प्रोसेसर का साइज़ क्या होगा। तो वो तभी पता लग पाता है जब उसको ED आती होगी, यानी कि जब जो कंपनी है, जो कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है। अब सारी जो मदरबोर्ड है वो अलग कंपनी बनाती है, प्रोसेसर अलग कंपनी बनाती है, इसके बाद जो केसिंग होती है, कैबिनेट होता है, वो अलग कंपनी बनाती है, और ये सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ असेंबल किए जाते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, ये कंपोनेंट को 2D ड्राइंग में कन्वर्ट किया जाता है और एग्जैक्ट वैसे ही डायमेंशन का बनाया जाता है जैसे कि आपको चाहिए, ताकि जब आप उनको असेंबल करें तो वो ईजिली फिट हो जाएँ। तो ये है इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अब बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को किसी 2D ड्राइंग में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ दो प्लेन की बात करेंगे, तो वो होता है हमारा, एक तो होता है हॉरिजेंटल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ मैं लिख देता हूँ HP, यानी कि ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है। जैसे कि सपोज़ अभी मैं फ्लोर पर खड़ा हूँ तो ये मेरा हॉरिजेंटल प्लेन है, और ये जो मेरी वॉल है ये मेरा हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर हमारा HP हो गया और ये हमारा यहाँ पर वर्टिकल प्लेन यानी VP हो गया। यहाँ पर मैं VP लिख देता हूँ। इसके अलावा भी हमारे प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा LPP और RPP, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के तौर पर सिर्फ दो को कंसिडर करते हैं, एक होता है हमारा HP और एक होता है हमारा VP। ओके, तो ये है हमारे दो प्रिंसिपल प्लेन। इसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है व्यूज़ की, यानी कि व्यूज़ कितने होते हैं। व्यूज़ का मतलब कि कितने व्यूज़ में हम एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग के अंदर कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो जो व्यूज होते हैं उसमें हमें जरूरत पड़ती है 3 व्यूज की। वो व्यूज कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो व्यू होता है वो होता है हमारा फ्रंट व्यू, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FV। दूसरा जो व्यूज होता है हमारा वो होता है हमारा टॉप व्यू। देन थर्ड जो हमारा व्यू होता है वो होता है हमारा SV, यानी साइड व्यू। आप इसको RSV भी बोल सकते हैं और LSV भी बोल सकते हैं, ओके। यानी कि जो थर्ड है इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, RSV और LSV। तो ये हो गए हमारे 3 व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। इन 3 व्यूज की हेल्प से हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके? अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। होता क्या है, अभी फिलहाल सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब, जैसे अभी फिलहाल यहाँ पर ये बना हुआ है तो इस वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी इस वाले प्लेन के बीच में यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस साइड यानी इस वाले प्लेन के पीछे है तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। इस प्लेन के पीछे और इस प्लेन के नीचे अगर है यानी यहाँ पर, तो वो हमारा कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है यानी कि इस वाले प्लेन के नीचे और जो VP है VP के आगे यानी यहाँ पर, तो वो हमारा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बट अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ। बाकी जो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बाकी की जो 3 क्वाड्रेंट है इसमें भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ओनली। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पर ऑब्जर्वर होता है। सपोज दिस इज योर ऑब्जर्वर, ओके? सो दिस इज योर ऑब्जर्वर। जब वो यहाँ से देख रहा होगा यानी यहाँ से, तो ये हमारा कहलाएगा फ्रंट व्यू। यानी ऑब्जर्वर इज वॉचिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस साइड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रंट व्यू। यानी कि ऑब्जर्वर फ्रंट से देख रहा है, तो क्या होगा जब फ्रंट से देखता है तो उसका प्रोजेक्शन हमें VP पर मिलता है, क्लियर? यानी जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा, तो इसको मैं F से डिनोट कर देता हूँ, यानी फ्रंट से देख रहा है तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर आएगा, क्लियर? जब ऑब्जर्वर, यही ऑब्जर्वर मेरा टॉप से देख रहा होगा यानी यहाँ से, तो हमारा व्यू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब सबसे सिंपल तरीका इसको याद कैसे रखें कि कौन सा व्यू कौन से प्लेन पर आएगा, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के पास फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च है, क्लियर? इस ऑब्जर्वर के पास एक टॉर्च है और वो उस टॉर्च को ऑन करता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी शेडो कहाँ प्रिंट होगी, ओके? जैसे ये टॉर्च को ऑन करेगा तो इसकी शेडो हमारी VP पर आ जाएगी। सिमिलरली जब ये टॉर्च को यहाँ से ओपन करेगा फ्रॉम दिस साइड, तो जो हमारी शेडो है वो हमारी हॉरिजेंटल प्लेन पर आ जाएगी। तो ये होता है याद करने का तरीका। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट का व्यू कहाँ पर आएगा, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि दैट यू हैव अ टॉर्च इन योर हैंड, तो उसकी शेडो कहाँ पर प्रिंट होगी। इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम फ्रंट, यू टॉर्च ऑन द टॉर्च, शेडो विल बी ऑन VP। इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम द टॉप, यू ऑन द टॉर्च, द शेडो विल बी ऑन HP। तो ये हमारा कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। जैसे कि हमारा VP है, तो VP पर हमारा ये जो यहाँ पर ड्रॉ हो रखा है ये क्या चीज़ है, ये है हमारा फ्रंट व्यू। और आपको पता होगा कि एक स्क्वायर बॉक्स अगर है हमारे पास, तो उसका फ्रंट व्यू क्या आता है, स्क्वायर। उसकी शेडो क्या आएगी, स्क्वायर। इसी तरीके से जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये HP पर प्रिंट हुआ है, ये जो हमारा टॉप व्यू है ये क्या है, हमारा टॉप व्यू। तो ये भी हमारा क्या आया है, ये भी हमारा स्क्वायर आया है। थोड़ा सा आपको थोड़ा टेढ़ा इसलिए दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हम एक 2D प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे, सपोज आई हैव अ बॉक्स इन माय हैंड एंड ओपन द टॉर्च, द शेडो विल बी ऑन HP, तो वो क्या होगा, हमारा टॉप व्यू। यानी जो शेडो वहां पर HP पर प्रिंट हुई है वो हमारा क्या कहलाएगा, टॉप व्यू। इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम फ्रंट, ऑन द टॉर्च, शेडो विल बी ऑन VP, तो ये कहलाता है हमारा प्रोजेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं ये एक मार्कर का एग्जांपल ले लेता हूँ,
मेरे पास सपोज ये एक मार्कर है, अभी जब आप इसको देख पा रहे हो तो इसकी आपकी पूरी लेंथ दिख रही होगी आपको, यहां से यहां तक, इस जगह से यहां तक। अब इसका प्रोजेक्शन यहां पर क्या आएगा, इसका प्रोजेक्शन आएगा अ लाइन, एक सीधी स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी प्रोजेक्शन में। कैसे पता चला कि आपके पास एक टॉर्च है, जब आप उस टॉर्च को ऑन करोगे तो इसकी परछाई यानी इसकी शेडो कहां पर प्रिंट होगी, वीपी पर। तो हमें यह पता चल गया कि इसका प्रोजेक्शन वीपी पर आएगा, और प्रोजेक्शन होगा कैसा, अ लाइन, एक लाइन आ जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो टॉप से भी यही रहेगा, टॉप से जब देखूंगा यानी टॉर्च मेरे पास है और मैंने ऑन किया ऊपर से, तो शेडो विल बी प्रिंट ऑन एचपी और वो भी हमारी एक लाइन ही होगी। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाकर ऐसे रख देता हूं तो क्या होगा, इस केस में जब आप टॉर्च को ऑन करोगे तो शेडो जो यहां पर प्रिंट होगी वो एक लाइन नहीं होगी बल्कि एक सर्किल होगा जिसका डायमीटर इसके डायमीटर के इक्वल आएगा। क्लियर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्शन किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, पहले जब ये इस तरीके से रखा हुआ था पहले जब ये, तब इसकी जो प्रोजेक्शन थी फ्रंट व्यू में वो क्या आ रही थी, एक लाइन, टॉप से देख रहे थे तो एक लाइन। बट अगर मैंने इसको घुमाकर इस तरीके से रख दिया है फॉर एग्जांपल, और मैं यहां से टॉर्च को ऑन करूंगा तो इसकी जो शेडो यहां पर वीपी पर प्रिंट होगी वो शेडो कैसी होगी, एक सर्किल होगी, यानी इसका फ्रंट व्यू अब क्या हो गया, एक सर्किल। बट जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, जब मैं इसको टॉप से देखूंगा यानी कि इसको मैं घुमाकर आपको दिखा देता हूं, यानी ये अब मैं आपको ऊपर नहीं ले जा सकता इसलिए मैंने ये जो टॉप है इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये कैसा दिखेगा टॉप से, कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी कि आप इसको टॉप से देख रहे हैं और यू हैविंग अ टॉर्च इन योर हैंड, यू ऑन द टॉर्च, शेडो विल बी प्रिंट ऑन एच पी और वो आपको मिलेगी एक लाइन। फिर से जब आप टॉर्च को ऊपर से ऑन करोगे तो आपको अगेन एच पी पर लाइन मिलेगी, बट फ्रंट व्यू से क्या मिलेगा आपको, एक सर्किल। क्लियर हो गया, यानी इसकी शेडो जो प्रिंट होगी वो एक सर्किल प्रिंट होगी। तो ये था हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ दो व्यू की हेल्प ली, यानी एक हमने हेल्प ली फ्रंट व्यू की और एक हमने हेल्प ली टॉप व्यू की, यानी एक हमारा वीपी प्लेन यूज हुआ और एक हमारा एचपी प्लेन यूज हुआ। इस मार्कर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ दो व्यूज की हेल्प से हमने उसको डिफाइन कर दिया। बट अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होता तो क्या होता, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होता तो क्या होता, जब मैं इसको फ्रंट से देखता तो मुझे लाइन मिलती, टॉप से देखता तो भी मुझे लाइन मिलती, तो मुझे इसकी लेंथ तो पता चल गई। जब मैं टॉप व्यू से फ्रंट से देख रहा हूं तो जो शेडो यहां पर प्रिंट होगी वो इसकी लेंथ के इक्वल होगी। क्लियर, यानी कि जो शेडो प्रिंट हो रही है फ्रंट व्यू से देखने पर, यहां पर कोई शेडो अगर प्रिंट हो रही है तो वो इसकी लेंथ के इक्वल होगी। इसी तरीके से जब मैं उसको टॉप से देखूंगा तो क्या होगा, तो जो HP पर शेडो आ रही होगी नीचे, जो HP प्लेन है हॉरिजेंटल प्लेन, उस पर जो शेडो प्रिंट हो रही होगी वो भी इसकी लेंथ के इक्वल होगी। अब फ्रंट व्यू भी डिफाइन कर दिया, टॉप व्यू भी डिफाइन कर दिया, लेकिन हमें दोनों व्यूज में उसकी क्या चीज़ मिल रही है, लेंथ, यानी हमें उसके डायमीटर का पता ही नहीं चल पा रहा इन दोनों व्यूज की हेल्प से। क्यों? क्योंकि लाइन हमारी इस तरीके से रखी हुई है। हुआ क्लियर? तो ऐसी प्रॉब्लम्स में जब हमारे पास दोनों व्यूज में एक ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशन नहीं आ पा रही होती है, तब हमें जरूरत पड़ती है राइट साइड व्यू या फिर लेफ्ट साइड व्यू की। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने यहां पर थर्ड व्यू में दिखाया है, यानी हमने फ्रंट व्यू भी यूज कर लिया, टॉप व्यू भी यूज कर लिया, बट हमारा थर्ड व्यू क्या है, लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू। क्लियर? तब हमें जरूरत पड़ती है इस थर्ड व्यू की। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने जब इसको फ्रंट से देखा तो भी हमें लेंथ मिली, टॉप से देखा तो भी हमें लेंथ मिली। अगर मैं इसको लेफ्ट से या फिर राइट से देखूंगा तो मुझे इसका डायमीटर दिख जाएगा। क्लियर हो गया कि थर्ड व्यू क्या होता है? उसी तरीके से अगर मैं इसको लेफ्ट से देखूंगा, सपोज अगर मैं इसको राइट से देख रहा हूं तो शेडो कहां पर आएगी, लेफ्ट पर, यानी लेफ्ट में कोई प्लेन होगा यहां पर और शेडो उसकी प्रिंट हो जाएगी। जिस तरीके से जब हम फ्रंट से देखते हैं तो शेडो उसके पीछे प्रिंट होती है वीपी पर, टॉप से देखते हैं तो शेडो उसकी नीचे प्रिंट होती है एचपी पर, उसी तरीके से जब मैं लेफ्ट से देखूंगा तो शेडो विल बी प्रिंट ऑन राइट, और जब राइट से देखूंगा तो शेडो विल बी प्रिंट ऑन लेफ्ट प्लेन। क्लियर हो गया? तो अब हमारे प्लेन कितने होते हैं, प्लेन हमारे तीन होते हैं, एक होता है हमारा हॉरिजेंटल प्लेन, एक होता है हमारा वर्टिकल प्लेन और एक होता है हमारा या तो लेफ्ट या फिर राइट, यानी लेफ्ट साइड प्लेन या फिर राइट साइड प्लेन। तो प्लेन हमारे तीन होते हैं। अब जो लेफ्ट और राइट है इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही यूज करना है, इसलिए हम इसको तीन प्लेन बोल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो चार प्लेन हो गए, एक एचपी हो गया, एक वीपी हो गया, एक एलपीपी हो गया और एक आरपीपी हो गया।
बट जो LPP और RPP है इनमें से हम सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे और क्वेश्चन में भी आपको एक ही दिया जाएगा, या तो LPP दिया होगा या फिर RPP दिया होगा। तो ये तो था हमारा एक क्विक इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, इसके यूज़ क्या है और हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन फ्यूचर आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you like the video. Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.